सर थैंक यू चेयरमैन सर कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो सैंड या रेत लगती है तो सबसे ज़्यादा खपत जो होती है वो चीन के बाद भारत में होती है। सैंड बहुत ज़्यादा लगती है अपने लिए। तो ये जो रेत या सैंड अपने को लग रही है उसका खनन हो रहा है और वो खनन इलीगल तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और नदियों का सूख जाना ये सब परेशानी बढ़ रही है। और इसके साथ में जो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद पर यदि विचार करते हैं तो कंस्ट्रक्शन 2005 में 7.4% था, वो बढ़कर 2019 में 13% हो गया है, यानी कंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसके साथ में डिमांड भी ज़्यादा हो रही है सैंड की और सप्लाई कम, तो इसमें जो भी ये उत्खनन गैरकानूनी तरीके से कर रहे हैं उसमें सैंड माफिया तैयार हो रहे हैं और ये काफ़ी स्टेट्स में शुरू हो गया है। और ये सैंड माफिया जो भी अधिकारी इनको रोकते हैं या जो गांव वाले लोग इनको यदि रोकते हैं तो उनके ऊपर वो अटैक करते हैं और कभी कभी मर्डर तक के भी अधिकारियों का हुआ है। तो इसे बंद होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो रेत जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसका अल्टरनेटिव्स कुछ हैं जो हमने निकालना चाहिए। तो अल्टरनेटिव्स जैसे कि बस, खदान की धूल है, धन्यवाद, ऐश है, वैसे अल्टरनेटिव्स ढूंढ के उसका उपयोग करना चाहिए, ऐसा मुझे।